भैया आ गए हैं डेमो के लिए, एक्सेसरीज वगैरह, रेट मैट, एंटी रेट जो मैट होता है जो नीचे लगता है वो है, ठीक है, ड्रेनोस, ठीक है, इनलेट पाइप, और ये यूज़र मैन्यू, ठीक है भैया। इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। दिखा देते हैं आपको, इस तरीके से। इसके नीचे टायर भी दिए हुए हैं फॉर शिफ्टिंग, ये यहाँ पे फिट हो गया ताकि चूहा वगैरह जो है उसके नीचे ना जाए। क्योंकि हमारा ड्रेन हॉस इनलेट वाटर पाइप कितनी लेंथ होती है भाई इसके अंदर? 100 मीटर, 4 फुट के अराउंड। इसका फिल्टर बताना भैया, कितने दिन में क्लीन करना होता है? जब भी प्रेशर पानी कम लगे तो यहाँ से इसको खोल के साफ करना है। किसी चीज से, प्लास से वगैरह से इसको, जब अगर आपको प्रेशर कम हो जाए पानी का तब आपको ये क्लीन करना है, और आप चेक कर सकते हैं 15-20 डेज के अंदर, है ना। ये देखिए ये इनलेट वाटर पाइप लग गया इसमें, ये टैप में जो है वो लग जाएगा इसमें। इसको लगाने के लिए भी ना पहले इसको लूज करना है। तो ये फैंसी टूटियों में नहीं लगता है, जो नॉर्मल टैप आती है इस साइज की उसी में ये लगेगा ना भैया। बैक वाले हाथ से टाइट करने होते हैं। ये भी छोटा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा उसके लिए। दिखा दो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और टाइट कर देंगे जिससे भी लीकेज ना हो। ठीक है, इसके लिए आपको पावर सॉकेट जो है वो नॉर्मल है इसमें। इसके लिए आपको पावर सॉकेट जो है वो नहीं चाहिए होता, 6 एम्पेयर का जो स्विच है आपका, ये देखिए 6 एम्पेयर का ही चल जाएगा नॉर्मल वाला। पावर की आउटलेट की जरूरत इसमें नहीं है, नॉर्मल पॉकेट में भी चलेगा ये। कोई नहीं, इसको भी या तो हम अंदर डाल देंगे या फिर इसके ऊपर भी रख सकते हैं। सिलेंडर निकाल के निकाल भी सकते हैं ऐसे, गैस का सिलेंडर निकाल देना। अच्छा ठीक है, ठीक कर लेंगे अभी, तो आप इधर कर दो, है ना, बाद में फिर जैसे जरूरत होगी। मम्मी को बुलाइए एक बार, आगे से बता दूँ या बाहर ही रह दो? बाहर भी रखा भी कर दो, जैसे करना है कोई दिक्कत नहीं है, तो फिक्स नहीं है ना जाना। हाँ, बाद में या तो खोल के डाल देंगे उसके अंदर ना। समझ लो एक बार, देख लो तो पहले ना, सीधा होना चाहिए, स्लो पहले।
इसको भी हम बैलेंस कर देंगे यहाँ से नहीं घूमते हैं होगा। इसमें जो है स्टैंड जो है वो कंपनी रिकमेंड नहीं करती क्योंकि ये जो है क्या बोलते हैं वाइब्रेट करती है मशीन। बाकी अगर आपको लगाना है तो आप आफ्टर मार्केट परचेज करके जो है वो इसे लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ये देखिए भैया अब समझाना शुरू करेंगे वॉशिंग मशीन के बारे में। फिल्टर अब देखेंगे, इसमें फिल्टर लगा हुआ है, ये खुल जाता है ना, इसको भी क्लीन करना है। जी ओपन किया और यहाँ पे जो भी डस्ट पार्टिकल उसको ये पूरा भी खुल जाता है। हाँ पूरा भी, हाँ पूरा भी निकल के हो जाता है साफ। किसी भी चीज़ से निकालेंगे तो किसी चीज़ से निकालना है, ऐसे कोई भी चीज़ लेके ना इसको यहाँ डालेंगे दोनों के बीच में, धीरे धीरे से उठा लेंगे। इसे आप आराम से जो है ब्रश वगैरह से जो है वो क्लीन कर सकते हैं, पूरा ही क्लीन हो जाता है। तो इसको हम बंद करेंगे, कल इसको बंद कर लेंगे, है ना, तो लगाने में इजी हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आप इसको यहीं से क्लीन करोगे ना अंदर की तरफ जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो उधर खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बहुत टाइम हो जाता है तो अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, ये इसका मैजिक फिल्टर हो गया। 8 kg जो कपड़े हैं ना आपके, ये लेवल है ये इसका। हाँ जी, इसके नीचे होना चाहिए कपड़े, वो 8 kg का लेवल है। अच्छा, इसके नीचे हमारे कपड़े, पानी का फोर्स आता है यहाँ से भी। हाँ जी, मशीन घूमती है तो इससे कपड़े हमेशा डाउन होना चाहिए थोड़ा। ठीक है, ठीक है। और मेरे को एक दो चीज़ें पूछनी है इसमें भैया, जैसे ये सॉफ्टनर का होता है, ये घूमता रहता कहीं पे भी हो सकता है, तो इसको हमें ये पहले डालना है या रिंस से बाद में डालना है? जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर अगर डालना है तो आप इसमें डाल दोगे। ठीक है, अदरवाइज बीच में ना रिंस के टाइम पे एक बार साउंड करता है, टिंग 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 बजता है। अच्छा, तो उस टाइम पे आप इसको पॉज करके डायरेक्टली भी डाल सकते हो। अच्छा, डायरेक्टली भी डाल सकते हैं और पहले भी डाल सकते हैं इसको? पहले डालेंगे तो वो साथ में डाल देंगे। अच्छा, फिर शुरू में डिटर्जेंट के साथ। ठीक है, और डिटर्जेंट का दिखा दो आप। डिटर्जेंट का ये है, डिटर्जेंट रही होगी इसकी। ये जेट स्प्रे अपने आप काम करता है, इसके लिए कोई फंक्शनल बटन नहीं है, उसको रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और वाटर लेवल 2 से लेकर 9 के बीच में काम करता है ये। वाटर लेवल 2 से लेकर 9 के बीच में। अच्छा, अगर उससे ऊपर हो जाएगा तो फिर वो नहीं चलता क्योंकि पानी फिर ओवरफ्लो हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आएगा। अच्छा, जेट स्प्रे जो है वो 2 से लेकर वाटर लेवल 9 तक चलेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें डोर हाइड्रोलिक है, जब भी आप कपड़े लगाओ उसको हल्के हाथ से उसको पुश कर दें। ठीक है, एक्चुअल वेट उसको पता लग जाएगा। उसके बाद में सब चीज़ रेडी कर दिए, जो सॉफ्टनर डिटर्जेंट वगैरह सारा डाल दें, डोर को प्रेशर नहीं देंगे, ये अपने आप धीरे धीरे आना चाहिए। ठीक है, अगर आप करोगे तो धीरे धीरे फिर वो फ्री हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, अपने आप इसको बंद हो जाएगा ना। और ये वारंटी में कवर होता है हाइड्रोलिक डोर वगैरह कुछ? सारे कवर, सारी चीज कवर होती है। 2 साल तक सब कवर होता है, 2 साल तक सारा होता है। अगर हम AMC वगैरह लेते हैं तो और एक्सटेंडेड हो जाएगी 3 साल 4 साल जो भी आपको, 3-4 साल तक। और उसमें सारे स्पेयर पार्ट कवर होते हैं या क्या कवर रहता है? मिस हैंडलिंग नहीं कवर होता, चाहे वो वारंटी में हो चाहे वो AMC में, मतलब डैमेज कवर नहीं होता। डैमेज कवर नहीं होगा और हाइड्रोलिक वगैरह डोर वगैरह इसकी सारी चीजें जो भी है वो सारे कवर होते, सारे कवर होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट जी। और उसमें लेबर वगैरह भी हमें देनी पड़ेगी या नहीं? कुछ नहीं देना होगा, सर्विस चार्ज भी नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा रेडी है मशीन अभी यूज करने के लिए। हाँ, फर्स्ट पावर ऑन, पहले यहाँ से प्लग ऑन करेंगे जो है वो ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद पावर। जैसे आप पावर ऑन करोगे देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम पे लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है और एक यहाँ पे लाइट आ रही है। ठीक है, है ना, ये जो लाइट दिखा रहा है ये बीपर की लाइट है। जैसे हमने मशीन ऑन करी ना तो हाई वॉल्यूम पे अभी है, अगर आप इसको ऑफ कर दोगे, सॉरी ऑफ कर दोगे तो अब आप ऑन ऑफ करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, जब हाई पे था ये तब आप ऑन ऑफ करने पे आवाज़ आ रही है। ठीक है, ये सॉइल लेवल है, ये पानी के हार्डनेस के अकॉर्डिंग ये खुद ब खुद प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भी सेट हो जाता है, मैनुअली भी इसको कर सकते हो। ये कपड़ों का गंदे लेवल का दिया हुआ है? हाँ, पानी का हार्डनेस लेवल होगा। अच्छा, ये हार्डनेस लेवल दिया हुआ है, सॉइल लेवल जो होता है ना पानी में। अच्छा, अच्छा, उसके लिए होता है। बाकी आप देखोगे ना यहाँ प्रोग्राम के 4 बटन है, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2, ये दोनों प्रोग्रामिंग के बटन है, है ना। 4 प्रोग्राम इस 1 में है, 4 प्रोग्राम 2 में है। तो अब जैसे आपको इसमें से कुछ भी चाहिए दोनों में से तो उसके नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो बाकी सब बंद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, है ना। अभी नॉर्मल पे लाइट जल गई, मतलब कि ये नॉर्मल प्रोग्राम हो गया है। तो आप यहाँ देखो नॉर्मल सॉइल भी यहाँ पे भी अपने आप आ गया। अच्छा, है ना, पर यहाँ पे लाइट नहीं आई अभी। वाटर लेवल, वॉशिंग के मिनट्स हैं, ये रिंस है और ये स्पिन है, तो इन पे अभी लाइट नहीं आई। अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो नॉर्मल करके प्ले कर देंगे। अदरवाइज कोई प्रोग्राम है जैसे टर्बो वॉश है, टर्बो वॉश होता है हाफ लोड के लिए और पावरफुल, थोड़ी वॉशिंग बढ़ जाए। अच्छा, ये 8 kg की मशीन है, 4 kg ही है तो आप इसमें टर्बो कर सकते हैं। अच्छा,
क्विक वॉश होता है, रिसेंटली कोई पहना हुआ कपड़ा है ना, जैसे थोड़ी देर पहना, ज्यादा मैला नहीं है, फिर स्मेल हो गई है, तो आप उस टाइप के कपड़े यहाँ पे 2 किलो तक वेट के आप धुल सकते हो। अच्छा, उसके बाद स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग में जीन्स हो गई है ना, या पर्दे वगैरह, या ज्यादा मैले भी हैं तब भी आप कर सकते हो उसमें। अच्छा ठीक है, चार तो इस बटन से आएंगे, सेकंड वाले से यहाँ पे आ जाओगे तो आप नॉर्मल फिर से आ जाएगा। बट इन दोनों नॉर्मल में आपको इसमें देखो छोटा सा प्री वॉश लिखा हुआ है, प्री वॉश 15 मिनट प्री वॉश करेगा फिर नॉर्मल वॉश करता है। अच्छा ठीक है, सॉक करेगा उसको बंद, सॉक का फंक्शन प्री वॉश, जैसे हम धुलने से पहले हम कपड़े को हल्का फुल्का गीला कर लेते हैं ना। अच्छा, वो थोड़ा सा फूल जाए। अच्छा, उस टाइप के। तो ये हमने नॉर्मल लगाया, ठीक है। और यहाँ सिंबल भी दिखा रहा है, ये वॉश रिंस और स्पिन जो रेडी है ना, सारे लाइटें जल रही हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आपको ये चाहिए उसके बाद हमें प्ले कर देंगे। जैसे ही आप प्ले करोगे तो वो सेंस करेगा कि अंदर कपड़े कितने हैं, उस कपड़े के लिए पानी और कितना टाइम लगना है, वो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा वेट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे वो टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक, टोटल टाइम आने के बाद आप देखोगे यहाँ पे भी लाइट आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा। मतलब कि वो सारा प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग फीड हो गया ऑटोमेटिक। तो हम बस चेंज कर सकते हैं वो, ये वाले वो वाले और वो है ना। हाँ, चेंज तो सारे कर सकते हो। अच्छा, चेंजिंग तो सारे कर सकते हो, पर चलते हुए में चेंज नहीं होगा, आप पॉज करके चेंज कर सकते हो। और इसमें भी ये चाइल्ड लॉक का फंक्शन है क्या? हाँ सर है। एक पहले एक बार प्रोग्रामिंग का बता दीजिए, प्री नॉर्मल वाला हो गया प्रोग्राम, और चाइल्ड लॉक का किताब में देखना पड़ेगा, मॉडल के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। अब ये देखिए, जैसे अभी कपड़े नहीं है तो इसने वाटर लेवल सबसे मिनिमम लिया है। अच्छा है ना, देखिए अभी वॉशिंग मशीन जो है वो खाली है, एक बार दिखाना भैया। अभी जैसे वॉशिंग मशीन हमारी ये अभी एम्प्टी थी, तो इसने वाटर लेवल जो है वो अभी 2 सेलेक्ट कर लिया अपने आप ही। ठीक है, वॉश ऐसे आ गया टाइमिंग। अब इसमें दिखा रहा है कि 9 मिनट वॉश होगा, मतलब जो वेट के अकॉर्डिंग अगर 2 वाटर लेवल लिया है तो उसने 9 मिनट वॉश लिया है। एक बार साफ पानी से निकालेगा, रिंस करेगा, और नीलियम स्पीड पे सुखा के मशीन ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इन सबका टोटल टाइम मिला के 44 मिनट का टाइम। बट अगर आपको कुछ चेंजेस करना है, जैसे लग रहा है कि 9 मिनट है या कपड़े ज़्यादा थे मुझे और ज़्यादा वॉश करना है, तो आप पॉज करके अच्छा। उसके नीचे वाले बटन से आप उस टाइमिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, सेम प्रोग्राम में हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको 25 मिनट वॉशिंग चाहिए तो आप 25 तक हमने सेट किया और वापस से प्ले कर दे, तो सिर्फ वॉशिंग टाइम ऐड हो गया, वाटर लेवल वही है। अगर वाटर को भी बढ़ाना है तो पॉज करके आप उसके नीचे वाले बटन से उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे जैसे वाटर लेवल चेंज करना है या फिर रिंस को भी चेंज करना है, तो वो भी आप 1-2 साफ पानी से कितनी बार निकालना चाहते हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, और हाई लेवल भी कर सकते हैं, ट्राई करना होगा है ना। अभी टोटल टाइमिंग बढ़ गया है ना, 1 आवर 35 मिनट का हो गया। और इसी में एक बटन सोक का भी है, देख रहे हो, पर ये लाइट नहीं आ रही है और ना इसके लिए कोई बटन दिख रहा है आपको। करना है इसी से ये वॉश वाले बटन को, जब 25 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो सोक पे चला जाएगा। अब इसका टाइम अलग आएगा, इसका टाइमिंग आता है 15 मिनट से लेकर 35 मिनट तक। अच्छा, तो अब जैसे 25 है ना, इसके आगे तो है ही नहीं मिनट। हाँ जी, तो अभी क्या होगा, अब इसका टाइम ऐड होने लग गया है। ऑन जैसे अभी यहाँ पे था ना, सॉरी ये यहाँ पे था, तो हमने पॉज किया उसे और हम इसको बढ़ा के सोक आ गया। अब इसका 15 मिनट आ गया, 25 मिनट और 35 मिनट, ये इंक्रीज हो गया इसके अंदर। अब टोटल टाइम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ऐड करने के बाद आप वापस से प्ले कर दोगे तो वो उसके अंदर अभी चारों प्रोग्राम चलेंगे। ठीक है, अब सोक भी चलेगा, वॉश, रिंस और स्पिन, चारों प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्वारिज्म, और एक्वारिज्म में क्या होता है? एक्वारिज्म का सेम वैसे ही है, यहाँ मैंने बताया गया था, एक्वारिज्म में स्पिन ऑफ हो जाएगा। अच्छा, एक्वारिज्म में ये 2 प्रोग्राम चलेंगे। अच्छा, जैसे पानी को सेव करना है वो उस टाइम पे काम आता है, जैसे वॉशिंग हो जाएगा, वॉशिंग में पानी आउट हो जाएगा, रिंस करने के बाद पानी को आउट नहीं करेगी, तो जो सेकंड वाला पानी थोड़ा साफ होता है ना, तो आप उसमें दोबारा डिटर्जेंट मिला के उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा है ना सर, क्लियर है? अच्छा ठीक है। हाँ, इसमें मतलब पानी अगर जैसे वो वॉश हो गया, हाँ जी, हाँ जी, डिटर्जेंट का पानी आउट हो जाएगा, फिर दोबारा से रिंस का पानी लेगा साफ करने के लिए, हाँ पानी से उसको रिंस करने के बाद मशीन रुक जाएगी, पानी को आउट नहीं करेगी, तो उसमें आपने कपड़े निकाले और दूसरे कपड़े डाल के डिटर्जेंट डाल के दोबारा से कोई भी प्रोग्राम लगा के चला लिया। ठीक है, उस पानी को रीयूज करना, उसको कहते हैं एक्वारिज्म, पानी को सेव करना, तो हम इस प्रोग्राम पे ला के इसको चला सकते हैं। ठीक है, जेंटल वूलन साड़ी है तो वो भी आप मैक्सिमम 2 किलो तक यहाँ पे धुल सकते हैं, या सिंगल कोई साड़ी है ना, या कोई थोड़ा सा वूलन है, या हल्के लाइट कपड़े हैं तो आप यहाँ धुल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टप क्लीन।
टब के लिए हमेशा नहीं होता, जब भी हम तीन दो तीन महीने मशीन को यूज कर लेते हैं, एक इसका पाउडर आता है सर्विस के लिए, डी स्केल पाउडर कहते हैं, वो आप एक पाउच इसमें डालो और टब क्लीन पे लाके चला देंगे और प्ले कर देंगे, तो 1 आवर 44 मिनट में अपनी ये सेल्फ सर्विस कर देती है। अच्छा, जैसे अंदर डस्ट पार्टिकल जमते हैं ना उनको साफ कर लेता है। और वैसे अगर कोई सर्विस कराना चाहे तो कितना चार्ज लगता है? 590 सर्विस विजिटिंग चार्जेस है प्लस जो सामान होता है वो अलग होता है। 590 हाँ जी, उसमें भी आप इसी तरीके से करके जाते हो या अलग तरीके से करते हो? कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं होता, जो फिल्टर अगर चौक है वो कर दिया, बाकी अगर कोई ज़्यादा क्लीनिंग की जरूरत है फिर वो कवर शॉप जाती है। अच्छा, फिर तो हैवी है वो मशीन, पूरा ड्रम निकलता है उसको क्लीन करके। और उसका कंप्लीट फिर कितना चार्ज होता है? उसका लगभग 2500 के आसपास, 2500 का। अच्छा, और इसमें रहता है तो वो सब फ्री हो जाता है फिर। वारंटी में अगर एमसी में होता है तो कोई चार्ज नहीं लगता, और वारंटी में कोई चार्ज नहीं लगता। अच्छा ठीक है। दूसरा, इसमें कभी जैसा आपने अलग से बाहर धुला हुआ है तो सिंगल स्पिन भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली गए स्पिन सिलेक्ट करोगे तो एक ही सिंबल आएगा यहाँ पे, है ना, उसके अलावा कोई नहीं आया। उसके बाद हम प्ले कर देंगे तो ये सिर्फ स्पिन चलेगा, स्पिन चलेगा। 12 से 13 मिनट होता है, जैसे अभी मीडियम पे 12 है और हाई पे कर देंगे तो 13 मिनट हो जाएगा। अच्छा, लो पे कितना? लो पे आएगा 9 मिनट, 9 मिनट है ना, और भी ज़्यादा कर सकते हो। इसी में देखो एक छोटा सा फंक्शन लिखा है, एयर ड्राई, जैसे बाहर धूप नहीं निकल रही है ना, हाँ जी, जब मशीन पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद आप मशीन को दोबारा ऑन करिए, है ना, और इसी स्पिन वाले बटन के ही नीचे देखो छोटा सा एयर ड्राई लिखा हुआ है, हाँ जी, तो उसके लिए क्या करना है, 3 सेकंड होल्ड करना है, स्टार एक्स्ट्रा फंक्शन 3 सेकंड होल्ड। अच्छा, तो स्टार में सिर्फ एक ही बटन दिया हुआ है, तो इसको होल्ड कर लेंगे ऐसे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, टाइमिंग 30 मिनट से स्टार्ट होगा, 2 घंटे तक आप इसमें स्पिन कर सकते हो, और जैसे एक बार करा और फिर जल्दी से करना है, 1 घंटा हो गया, फिर हाफ हाफ आवर इसमें ऐड होने लगेगा। अच्छा, स्पिन मैक्सिमम 2 घंटे है, वापस 30 पे जाएगा। अच्छा, और हमने प्ले कर दिया, सिर्फ स्पिन घूमता रहेगा जैसे जितनी भी देर के लिए आपको। अच्छा, खाली स्पिन के लिए, ठीक है, उसको करने के बाद मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और स्मार्ट डायग्नोसिस का क्या है भैया, इसका क्या फीचर है ये? स्मार्ट डायग्नोसिस, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप या तो कॉल सेंटर फोन में लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कोई बटन दबाने के लिए, वो बटन दबाओगे तो एक साउंड इंक्रीज होगा इसमें से। अच्छा, तो उस साउंड से वो बता देंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो वो आपको टिकट को जैसे आपसे हो सकता है तो वो खुद करेंगे कि आप ये चीज चेक कर लीजिए, अदरवाइज वो इंजीनियर, आपको नहीं पता तो फिर आप कॉल करेंगे कस्टमर के, इंजीनियर भेज में देंगे, वो ऑटोमेटिक भेज देते हैं। अच्छा, क्योंकि आपने फोन तो मिलाया हुआ है तो वो ऑटोमेटिक इंजीनियर भेज देंगे। और दूसरा इसमें ना सबसे बड़ी बात है कि खुद भी बताती है मशीन, अगर आप स्मार्ट डायग्नोसिस के थ्रू भी नहीं जाते तब भी वो बता देगी मशीन। अच्छा, जैसे अभी हम चला रहे हैं ना मशीन, मशीन को हमने खोली, मशीन चल रही थी, कोई भी फंक्शन चल रहा होगा, अगर बाई चांस हमने दरवाजा खोल दिया तो वो एरर ऐसे बताने लगेगा, डोर ओपन, ये डी करके, डी मतलब डोर एरर, डोर एरर, हाँ हमने खोल दिया ना तो अचानक से ये ठीक एरर आ गया, इसको वापस बंद करना है। हाँ, बंद हो गया, स्टार्ट बटन को 2 बार प्रेस करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो ये हटेगा पहले। अच्छा, और टाइमिंग आ जाएगा जो टाइम पे था, सेकंड करोगे तो प्ले हो जाएगा, ठीक तो है, वो वहीं से चल जाएगा किसी भी प्रोग्राम में। उसके अलावा 2-3 एरर और आते हैं जो आपके लिए होता है, पानी खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे लिख के आएगा आई ई। हाँ, तो हम दिखा देते हैं एक बार टैप बंद करके, अभी वो थोड़ा लेट आएगा, उसमें इमीडिएटली नहीं आता, थोड़ा टाइम देता है पहले, वो थोड़ी देर सेंस करता है ना। अच्छा, जैसे अब हमने टैप बंद, अच्छा ओ ई मतलब कि आउटलेट से। अच्छा, ये मैनुअल में जो है ये एरर वगैरह यहाँ पे दिखाए हुए हैं, बाकी मैं मैनुअल आपको दिखा दूंगा एक बार एंड में ट्रबल शूटिंग के लिए। एक तो आई बी ए ने मैंने बताई दिया, डी हमारा डोर एरर आ गया, ओ ये मतलब आउटलेट एरर, गंदा पानी यहाँ से निकलता है, अगर इसमें कुछ फंस जाएगा, क्वाइन हो गया, कोई भी चीज़ फंसता है। अच्छा, तो ये से ट्रेन एरर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या ओवरवेटेड हो जाएगा या ज़्यादा वाइब्रेट होगा तो ये एरर आएगा। अच्छा ठीक है, तो आप नॉर्मली यही एरर आते हैं हमारे आपके लिए जो है, बाकी तो एरर बहुत सारे आते हैं वो खुद बताते हैं, मैनुअल के लास्ट पेज पे देखोगे ना। ये देखिए काफ़ी सारे एरर्स आते हैं, बट आपको जो है मेन आपके ये वाले होते हैं जो आप कर सकते हैं, उसके अलावा देखो खुद ब खुद लिखा होगा प्लीज़ कॉल नियरेस्ट एलजी इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर, वो खुद ही बता देगा आप ये कर सकते हो, ठीक है, लिखे हुए ये एरर आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर केयर पर कॉल करके इंजीनियर को बुला के फिर दिखाना है जो भी एरर होगा, ठीक है। 2-3 आप जो नॉर्मल एरर हैं वो आप खुद डायग्नोज कर सकते हो, ठीक है। जो आप पूछ रहे थे ना, ये देखो लिखा हुआ प्रेस एंड होल्ड बीपर एंड रिंस, बीपर और रिंस, यानी बीपर और रिंस, इन दोनों बटन को दबा के रखोगे तो ये देखिए हमारा ये चाइल्ड लॉक यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, तो सर ने कौन सा बटन दबाया, बीपर प्लस ये लिखा हुआ रिंस, बीपर और रिंस होल्ड लिखा हुआ ना, प्रेस एंड होल्ड बीपर एंड रिंस की सिमिलरली, यानी एक साथ दोनों को प्रेस करना, 3 सेकंड के लिए हमने करा है तो ये एक्टिवेट हो गया, अगर इसको डीएक्टिवेट करना है, अगर हम अब
इसको कोई ऑपरेट नहीं कर सकता, ऑफ तो कर सकता है अच्छा, पर किसी प्रोग्राम में नहीं लगा सकता, ना ये प्ले करेगा ना कुछ होगा जब तक आप इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। तो सेम वही चीज़ है, इसको दोबारा से पहले एक साथ ऑन दबा के रखेंगे, हट चुका उसके बाद कोई भी प्रोग्राम आप चेंज करके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड लॉक में पावर ऑन ऑफ का बटन जो है काम करता है, बट प्ले पॉज बाकी कुछ और नहीं चलेगा, यूज नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, तो ये भी हो गया, बाकी तो सर ने डेमो दे ही दिया है, और कुछ रह गया हो सर? नहीं, बाकी तो इसमें यही है, बाकी कोई डाउट हो सर पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए अब इसमें जो है वो हम क्लोथ जो है वो डाल रहे हैं, फिर इसको जो है वो कपड़े थोड़े खोल के डालने हैं। सर कैसे डालने हैं? ऐसे डाल सकते हैं इसको कपड़ों को। ये हमने अब चद्दर भी डाल दी है इसके अंदर, शर्ट्स भी डाल दी हैं, और अभी इसको पुश करेंगे अंदर। अच्छा, उससे वेट आ जाएगा ना कि कितना वेट है इसमें। ठीक है, हमने जैसे अभी ये कर दिया। अच्छा, डिटर्जेंट डालेंगे हम इसके अंदर। मैं टी शर्ट, जीन्स, बेड शीट्स सब कुछ डाल के आपको जो है वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जीन्स भी चली गई, वेस्ट भी चले गए, ये लो जी साड़ी भी चली गई, जो लेडीज़ अगर कोई देख रही हैं, साड़ी भी डाल दी मैंने इसके अंदर, टी शर्ट, शर्ट सब कुछ जो है इसके अंदर। और ये सर ने बताया थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना है ताकि इसका जो लोड जो है वो सेंस कर ले। ये देखिए चादर, अब होता है बहुत है, तो हमने हमें इसके लेवल तक रखना है, ज़्यादा इसको बस अब इसको ओवरलोड नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सर दिखाना, हमें सर दिखाओ एक बार। अपलोडिंग है ना सर? हाँ, अब ये लाया तो इसमें नॉर्मल वाला डाल सकते हैं या टॉप लोड ही डालना है? ही डालना है, चाहे वो लिक्विड हो पाउडर हो। नॉर्मल टाइट नहीं कर सकते इस्तेमाल? नहीं सर, क्लीनिंग का इशू रहता है, तो और सर्दियों में कोशिश करें कि हम लिक्विड डालें। अच्छा, सर्दियों में लिक्विड? हाँ, गर्मी में पानी गर्म होता है तो जल्दी घुल जाता है, बट सर्दियों में क्या होता है डिटर्जेंट सही से ना ठंडे पानी में घुल नहीं पाता। अच्छा, तो ये मैं इसके लिए अभी खरीद के लाया था एरियल का टॉप लोड एरियल, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, वो भी फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो इसके साथ ये भी मिला है, इसके अंदर 60 ग्राम जो है लिखा होता है एक बार में आता है, और ज़्यादा गंदे अगर कपड़े हों तो आप इसे 1.5 कप जो है वो डाल सकते हैं। जैसे इसमें चादर भी है तो हम 1.5 डालेंगे। अच्छा, तो इसमें अब हम 1.5 जो है इसको कप जो है डाल देंगे फुल करके। मैं पकड़ता हूँ, तो आप देखते जाइए हाउ टू वॉश क्लॉथ इन टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो इसे अब हम फुल करके जो है वो 1.5 उसमें जो है वो डाल देंगे। देखिए ये हो गया 1 कैप, तो हाफ कैप, और ज़्यादा भी डाल सकते हैं थोड़ा बहुत, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा वो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों के हिसाब से अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, 1.5 तो डालना ही है। ठीक है जी, देख लो अब हमने डाल दिया है, अब हम जो है इसको क्लोज कर देंगे, हमने इसको छोड़ दिया। अब इसको ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके डोर के साथ, आराम से ये बंद। जैसे इसमें चादर वगैरह भी ना, तो इसको हम स्ट्रॉन्ग पे चलाएंगे। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावर ऑन करा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप दबाएंगे तो ये आ गया स्ट्रॉन्ग पे। स्ट्रॉन्ग पे आ गया, उसके बाद हमने किया प्ले, प्ले कर दिया। अब ये जो है यहाँ पे किया तो वो सेंस कर रहा है कि उसको कितना पानी चाहिए। ठीक है, अब इसका टाइम अपने आप सेलेक्ट होगा। तो ये साफ पानी के लिए हमें सोयल लेवल हाई करना पड़ता है या किस तरीके से? ऑटोमेटिक नहीं, साफ पानी के लिए, जैसे पानी हार्ड है यहाँ पे तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग खुद ब खुद हैवी पे चला गया, मतलब मीठा पानी जो होता है हाँ, उसके लिए हैवी जी। क्या हो गया उससे वो चला गया तो वो पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, तो मशीन घूम के ना सेंस कर रहे हैं। ये देखिए मशीन जो है वो चलनी स्टार्ट हो गई है।
पानी बंद है तुम्हारा? नहीं पानी बंद है, चेक करा ना कितना टाइम चाहिए। अच्छा ये देखिए अब इसमें जो है वो टाइम लिखा गया 53 मिनट्स, ये टोटल टाइमिंग है। इसने देखो वाटर लेवल 7 ले लिया है, ठीक है ना। अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा रहा है कि 14 मिनट इसमें वॉश होगा। ये देखिए सर पानी भी जो है, पानी जो है इसका वो आना शुरू हो गया है। मैंने बीच में डोर ओपन कर दी इसको दो बार में वहीं से ऐड हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है दोबारा हमारा, ये पानी है बस ये सी है हमारा ना पानी। अब क्या उस लेवल तक पानी भरेगा? अब जैसे अगर आपको 14 मिनट नहीं थोड़ा सा और वॉशिंग करना है तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा बढ़ा दो, क्योंकि इसमें हैवी कपड़े भी है ना, तो हमने इसको 25 मिनट कर दिया वॉशिंग को, ठीक है, और वापस से प्ले कर दिया। इसमें ये टोटल टाइमिंग आ रहा है 1 आवर 4 मिनट। अब चलते हुए हम इसके फंक्शन चेंज नहीं कर सकते? चलते में कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे। अच्छा पॉज और वॉश करेंगे, ठीक है, तभी होगा। ठीक है ऑफ नहीं करना, ऑफ कर दोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पॉज करना है। और वाटर लेवल भी जैसे पॉज करके इंक्रीज कर सकते हैं जितना सकते। अच्छा जितना जरूरत है, लगता है कि नहीं डूब रहे कपड़े पूरा पर, तो आप पॉज करके उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है तो हमने इस बार क्या होता है, कोई कपड़ा ऐसा होता है कि हल्का है, एक्चुअल वेट नहीं आया, वुलन में पानी ज्यादा चाहिए होता है और वेट हल्का होता है उसका, तो हमें मैनुअली जाकर उसको हम पहले ही उसके हिसाब से बढ़ा देंगे पानी को। ठीक है वुलन क्लोथ में, वुलन में या कोई बहुत से लोग चादर डालते हैं फोम टाइप हल्का ना, हाँ जो ब्लैंकेट टाइप के आते हैं वो डालते हैं, वो हल्के होते हैं, हाँ जी, तो उसके हिसाब से क्या होगा ड्रम तो पूरा भर जाएगा, हाँ जी, बट वेट नहीं होगा तो वो वाटर लेवल कम लेगा, हाँ जी। तो आप उसको या तो पहले से शुरू में भी कर सकते हो, पहले ऑन किया प्रोग्राम लगाया और वाटर लेवल मैनुअली कर दिया। अच्छा जैसे फुल लग रहा है तो लग रहा है कि फुल तक भरना है हमें, तो वो मैनुअली करके फिर आप प्ले करो उसे, ठीक है, तो वो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले पानी फुल हो रहा है, भी छोड़ दें इसको मतलब, फिर जब भरेगा भी जब तक भर नहीं जाएगा चलेगा नहीं, तो पॉज करके आप मैनुअली भी पानी इसमें भर सकते हैं। अच्छा ठीक है थोड़ा जल्दी हो जाए, ऐसे पॉज करके ढक्कन खोलेंगे और बाल्टी से भी कर सकते हैं जल्दी अगर करना है, जल्दी है तो, अदरवाइज सीधा अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है और मैं इसकी AMC डिटेल्स वगैरह भी सर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि 2 साल की तो हमें मिली है इसमें, और अभी जो एक्सटेंडेड वारंटी जो ऑफर चल रहा है वो मैं अभी सर से अभी पूछ के आगे बताता हूँ। और सर इसमें हमें 1 ईयर का इंश्योरेंस प्रोग्राम भी मिला है इसके साथ, वो अलग होता है सर, तो वो कंपनी करती है या थर्ड पार्टी के थ्रू होता है? थर्ड पार्टी जिस कंपनी से भी टाइप होगा वो करती है। अच्छा उसकी चलो डिटेल मेरे पास मेल पे आएगी तो वो मैं दिखा दूंगा, डीलर से आएगी वो मैं दिखा दूंगा आपको डीलर के थ्रू। और वैसे इसकी जो 1 साल की AMC है 1770 रुपये की 1 साल की है। अच्छा ये 1 ईयर की AMC है, 1500 रुपए प्लस 18% टैक्स आता है, तो 1770 रुपए की 1 ईयर की है। ठीक है इसको डेमो टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 3 से, तो ये आपका हो रहा 5310। ठीक है ना, ये 3 साल के लिए वारंटी है, और जैसे डेमो टाइम में आप कराते हैं तो इसमें मैं अभी मतलब मैं अगर इसको आज कराता हूँ 09+18% तो 3540 रुपये में आपको 3 साल की मिलेगी। 3540 में आपको 3 साल 3540 में हमें 3 ईयर की मिल जाएगी, हो जाएगी यानी 3 साल 5 साल हो जाएगा, 5 ईयर्स की ऐड हो जाएगी इसमें। तो ठीक है अभी हम ये भी सर से करा लेते हैं, इसकी पेमेंट सर कैश से होगी या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं? ठीक है तो ये भी मैं करके अभी दिखाता हूँ। इसमें पार्ट सारे कवर होते हैं सर, AMC वगैरह में इसकी डोर वगैरह भी कवर हो जाएगी, सिर्फ टूट फूट नहीं होनी चाहिए आपसे, हाँ जी टूट फूट मिसहैंडलिंग नहीं होती, डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, डैमेज में भी आपका सर्विस चार्ज लगेगा, सिर्फ पार्ट का लगेगा, या भाई जब गिलास तोड़ दिया किसी से तो आपका गिलास का पैसा लगेगा, सर्विस चार्ज तब भी नहीं लगेगा। अच्छा ये AMC में, अच्छा 600 रुपये तब भी सेव रहेंगे, और ये वारंटी में भी होता है? वारंटी में भी होता सर्विस। अच्छा कोई भी चीज़ अगर डैमेज होती है तो सर्विस चार्ज नहीं लगेगा आपका, पार्ट्स के पैसे जो है वो लगेंगे। तो ये भी हम जो है वो करा लेते हैं, तो ताकि वॉशिंग मशीन हाँ जी ये पैनल जो है इसका वाटर प्रूफ होता है, ये शीट लगी होती है इसके ऊपर, अंदर से भी वाटर प्रूफ है, अंदर से भी वाटर प्रूफ हो सकता है ये। एक सेकंड अब जैसे ये वॉशिंग स्टार्ट हो गई है और अगर आपको पानी थोड़ा कम लग रहा है तो हमने मैनुअली इसको थोड़ा सा मैनुअली हमने इसका लेवल जो है वो 8 से 10 कर दिया है, ठीक है थोड़ा जो पानी है हाँ जी तो अब पानी जो है इसमें वो और इंक्रीज हो जाएगा।
फुल होने वाला है अभी ये। पानी लेवल होने के बाद ये वॉश जो है इसकी स्टार्ट हो चुकी है ना। अगर इसको बीच में जरूरत होगी तो ऑटोमेटिक वो पानी को खुद बढ़ा लेगा। ठीक, बीच बीच में वो चेंज करता रहता है। अच्छा, पानी कम लगता है तो बीच बीच में लेता रहेगा, मशीन को जो है वो चलाता रहेगा। ठीक है, जो इसके कपड़े हैं फिर मैं अगर एक बार जो धुल जाते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की क्वालिटी है जो है वो आती है।